क्योंका होरी अपनी स्कूल में बहुत ही पॉपुलर होती है। उसे देख के ऐसा लगता है कि वो तो बहुत ही रिच और आराम से रहती होगी, लेकिन वो तो अपने घर में नॉर्मल लड़कियों से भी ज्यादा काम करती है और अपने घर को अकेले ही संभालती है। एक दिन उसी की क्लास की एक बंदा जो बहुत ही सीधा साधा और हमेशा अकेला रहता है, उसको होरी की ये सीक्रेट पता चल जाता है जब वो उसके भाई को चोट लगने पर उसके घर ले आता है, जहाँ पे पहले होरी उसको देख के पहचान नहीं पाती, बट जब वो अपने नाम को बताता है तब वो उसको देख के शौक हो जाती है। क्योंकि मियामुरा जो अपनी स्कूल में इतना सीधा साधा होके रहता है, वो बाहर बिल्कुल अलग होके रहता है और उसकी बॉडी में टैटू भी है। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेंगे। फिर उस दिन से होरी मियामुरा को स्कूल में भी बातें करने लगती है और ऐसे उन दोनों के बीच अच्छे फ्रेंडशिप बन जाते हैं और मियामुरा होरी के घर में उसके भाई के साथ खेलने के लिए आने लगता है। फिर एक दिन जब होरी मियामुरा को फ्लैश सेल से कुछ लाने देती है, तब मियामुरा जल्दबाजी करने पर वो होरी के एक फ्रेंड योशिकावा के सामने एक्सपोज हो जाता है। फिर उन्हीं की क्लास का एक लड़का इशिकावा जब होरी को मियामुरा से बातें करते हुए देखता है, तब वो उनसे जेलस होके उससे बात करने आता है, बट वो कहता है कि उनके बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। तब इशिकावा कहता है कि होरी उसका क्रश है और वो होरी को प्रपोज भी करने वाला है, तो इसी वजह से मियामुरा होरी से थोड़ी दूर रहने लगता है। बट फिर जब होरी उससे आके पूछती है, तब वो कहता है कि वो उसकी इमेज को खराब नहीं करना चाहता। बट फिर होरी उसको समझा देती है और वो दोनों वापस से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तभी होरी कहती है कि उसने इशिकावा को रिजेक्ट कर दी है। फिर एक दिन जब होरी अपनी माँ से बात कर रही होती है, तब वो रियलाइज करती है कि उसे तो मियामुरा का पहला नाम पता ही नहीं है, तो वो उससे नाम को निकालने के लिए बहुत सारे पैतरे आजमाने लगती है, बट उसके कोई भी पैतरे काम नहीं करते और लास्ट में मियामुरा ही उसको अपना पहला नाम बता देता है। फिर स्कूल में होरी को स्टूडेंट काउंसिल कुछ पेपर्स में काम करने देता है, जिसको वो पूरा करके स्टूडेंट काउंसिल की एक लड़की रेमी को दे देती है। पर अगले दिन स्टूडेंट काउंसिल के लोग उनकी बजट रिपोर्ट को घुमाने के लिए उसको दोष देते हैं, जहाँ पे होरी रोने ही वाली होती है, बट तभी मियामुरा आके उसको बचा लेता है और तब उन्हें पता चलता है कि उस रिपोर्ट को होरी ने नहीं बल्कि रेमी ने खोई थी जब वो मियामुरा से टकरा गई थी, जिसके बाद स्टूडेंट काउंसिल होरी से माफी मांग लेता है। फिर होरी की फ्रेंड्स उससे पूछता है कि वो भला स्टूडेंट काउंसिल की मदद करता क्यों है। तब होरी बताती है कि बचपन में वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट सेंगुकू को बुली करती थी, जिसकी वजह से वो बुरा फील करके उसकी हेल्प करती है। फिर उनकी क्लास में सबको मिलके क्लास प्रोजेक्ट दे देते हैं। वहीं पे मियामुरा अपने पास के बारे में याद करता है जब वो हमेशा अकेला रहता था, क्योंकि वो बहुत ही साय बंदा है, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। तभी उसके फ्रेंड्स होरी तोरू और युकी आके उसके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। फिर अगले दिन रेमी होरी से कहती है कि वो मियामुरा को डेट करना चाहती है, बट उसके लिए होरी मना कर देती है क्योंकि होरी को अब उसके लिए फीलिंग्स आने लगी है, तो ऐसे में वो भला कैसे उसको किसी और का होने देगी। फिर क्लास के बाद होरी और मियामुरा अपने हाथों को कंपेयर करने लगती है, जहाँ पे होरी अपनी फीलिंग्स को कहने ही वाली होती है, बट वो रुक जाती है। फिर जब तोरू मियामुरा को उसके और होरी के बारे में पूछता है कि उनके बीच क्या चल रहा है, तब मियामुरा कहता है कि कुछ भी नहीं, बट इस बात को लेके उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। फिर अगले दिन जब होरी मियामुरा को देखता है, तब वो पूछती है कि ये सब किसने किया। फिर उसको पता चलते ही वो तोरू के पास जाती है, बट तोरू की हालत तो और भी खराब होता है। फिर मियामुरा युकी के पूछने पर कहता है कि वो दोनों होरी को लेके लड़ रहे थे। फिर समर शुरू होने लगता है और सकुरा कुछ पेपर्स को गिरा देती है, जिसको तोरू उठा देता है, लेकिन तभी जब वो तोरू को देखती है तो उसको पहले ही नज़र में उससे प्यार हो जाती है। देखो यार, भाई को होरी नहीं मिला तो क्या हुआ, अब लड़कियाँ उसके पीछे खुद चल के आने लगी है। फिर होरी मियामुरा को आइसक्रीम खरीद के देती है, जिसको वो तोरू और सेंगोकू के साथ शेयर करता है। फिर जब वो दोनों खेलते वक्त हार जाता है, तब उनको सारे फ्रेंड्स के लिए ड्रिंक्स खरीद के देना पड़ता है। वहीं पे तोरू कुछ और ही समझ लेता है। फिर स्कूल से आते वक्त एक बंदा आके होरी पर लाइन मारने लगता है, जिसको देखते ही मियामुरा जाके उसको एक पंच लगा देता है। फिर होरी को पता चलता है कि वो तो मियामुरा का ही एक पुराना दोस्त सिंधो है। फिर अगले दिन होरी बीमार पड़ जाती है,
जहाँ पे वो बीमार होने के बाद भी स्कूल में जाने की कोशिश करती है, पर उसका छोटा भाई उसको सोने दे के खुद स्कूल चला जाता है। और जब मियामुरा को ये बात पता चलता है तो वो डायरेक्ट उनके घर आता है और वो उसका हेल्प करता है। लेकिन उस टाइम में होरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, तो वो मियामुरा के सामने ही अपने अकेलेपन के बारे में कहने लगती है कि वो कैसे बचपन से ही बिना पेरेंट्स के रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स हमेशा काम में ही बिजी रहते थे। फिर जब होरी शांत हो जाती है तब मियामुरा सोचता है कि वो सो गई है, तो तभी वो अपनी फीलिंग्स को होरी के सामने कह देता है। बट होरी तो जागी हुई होती है और जब मियामुरा वहां से चला जाता है तब उसकी बुखार पूरी तरह से उतर जाती है। फिर अगले दिन होरी थोड़ी अच्छी फील करती है, लेकिन तभी उसका सोता भाई आके उसको खबर देता है कि उसने मियामुरा को किसी और लड़की के साथ देखा है। यहाँ पे उसको पता नहीं है कि वो तो सिंडो की गर्लफ्रेंड है, तो वो मियामुरा को अवॉइड करने लगती है। और जब मियामुरा उसके पास आता है तब वो उसको टेक्स्ट बुक फेंक के मारता है। फिर जब मियामुरा टेक्स्ट बुक को लौटाने उनके घर आता है तब वो दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और होरी मियामुरा को पूरी बात बताने का चांस देती है। बट तभी उनके बीच एक आदमी आ जाता है। फिर मियामुरा को पता चलता है कि वो तो होरी का फादर है, जो मियामुरा को देख के पूछता है कि ये कौन है। तब होरी कहती है कि वो उसकी बॉयफ्रेंड है, और इसके बाद ही वो दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। इसकी खबर को सुनते ही बेचारा तोरू सैद हो जाता है। भाई जब आपकी क्रश को आपकी दोस्त ही ले ले तो बुरा तो लगता है, पर तोरू इसके लिए उनको कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो अपनी दोस्ती को तोड़ना नहीं चाहता था। बट वहीं पे साकुरा भी रेमी के आगे कॉन्फेस करती है कि वो तोरू पर क्रश रखती है, बट वो सोचती है कि वो इतनी भी अट्रैक्टिव नहीं है तोरू के सामने। बट रेमी उसके साथ खड़ी होती है और उसको इनकरेज करती है। फिर जब होरी के घर में मियामुरा बहुत ही रात तक रहता है तब होरी के पेरेंट्स मियामुरा को उनके ही घर रहने देता है। वेल ऑफ कोर्स मियामुरा होरी के फादर के साथ होता है। फिर जब अगले दिन मियामुरा होरी के साथ घर से निकलता है तब उनको स्कूल की कुछ लोग देख लेते हैं। फिर होना क्या है, बाद में उनकी खबर पूरी स्कूल में फैल जाता है। तो मियामुरा सोचता है कि वो होरी का रेपुटेशन खराब कर रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने बालों को काट लेगा और ग्लास भी पहनना छोड़ देगा। फिर जब स्कूल के बाद होरी और मियामुरा सिंधु के रूम में जाते हैं तब वो उनको चॉकलेट्स गिफ्ट करता है। और तभी जब सिंधु कहीं और देखता है तब मियामुरा होरी को किस कर देता है और होरी से उसके मुंह से ही चॉकलेट छीन लेता है। फिर स्कूल में मियामुरा अपने न्यू लुक्स के साथ लड़कियों को अट्रैक्ट करने लगता है, जिसको देख के होरी जेलस हो जाती है। लेकिन फिर एक लड़की जिसका नाम है सवादा, वो उसको डिक्लेयर करती है कि वो होरी को लेके उसका राइवल है। बट फिर जब वो दोनों राइवल्स अपने घर जाते हैं तब उनको पता चलता है कि वो दोनों तो बिल्कुल एक ही बिल्डिंग में पास वाले अपार्टमेंट में ही रहते हैं। उसके बाद मियामुरा को पता चलता है कि सवादा का एक बड़ा भाई था जो कुछ साल पहले मारा गया था, जिसको सुन के वो उसके लिए बुरा फील करता है और उसके साथ भाई जैसा बिहेव करने लगता है। फिर स्कूल में तोरू गलती से साकुरा से टकरा जाता है, जहाँ पे साकुरा के ऊपर कुछ गिर जाता है तो तोरू उसको छुपाने के लिए अपनी जर्सी उसको दे देता है। फिर अगले दिन साकुरा उसको थैंक्स कहती है और कुछ कुकीज भी देती है, जिसको देख के युकी जेलिस होती है क्योंकि वो भी तोरू के साथ रह रह के उसके लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली है। ओके, तो तोरू कोई अनलकी बंदा नहीं है जिसको अपनी क्रश नहीं मिला, वैसे तो ज्यादातर को नहीं मिलता, लेकिन वो तो एक्चुअली बहुत ही लकी है क्योंकि अब उसके ऊपर लड़कियां मरने लगी है। और उसको देख के युकी जेलिस होती है और मियामुरा से कुकीज बनाने में हेल्प मांगती है, बट युकी अपनी कुकीज को जला देती है। लेकिन इशिकावा उसको और भी कुकीज बनाने के लिए इंकरेज करता है। फिर मियामुरा कुछ दिन के लिए होक्काइडो जाता है, जहाँ पे वो अपनी फोन की चार्जर को ले जाना ही भूल जाता है, तो उसका मोबाइल बंद ही रहता है। लेकिन उसके बारे में होरी को पता नहीं होता, तो वो उसको मैसेज करती है और उसके रिप्लाई की इंतजार में रहती है, जिसका इंतजार करते करते वो बहुत ही डिस्पेरेट हो जाती है। क्योंकि भाई जब आप प्यार में होते हो तब कुछ दिन भी सालों जैसा लगता है। लेकिन फिर जब मियामुरा अपने घर आ जाता है तब वो दोनों वापस मिल के बहुत ही खुश होते हैं। फिर अगले दिन स्कूल में होरी को उसके दोस्त मियामुरा के आगे कमजोर दिखाने को कहती है, जिसकी वजह से जब वो दोनों एक साथ हॉरर मूवी देख रहे थे तब होरी डरने की एक्टिंग करती है।
बट उल्टा ये करने से मियामुरा और भी डर जाता है, जिसके बाद होरी थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है। बट मियामुरा उसको याद दिलाता है कि वो जो भी है वो उसको ऐसे ही प्यार करता है, और उसी रात उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। और मियामुरा उस रात होरी के घर में ही बिताता है पूरी रात। फिर अगले दिन मियामुरा अपने पास के बारे में एक सपना देखता है, जहाँ पे वो पहले वाले मियामुरा से मिलता है, जिसको वो कहता है कि एक दिन वो अपने फ्रेंड से जरूर मिलेगा। फिर मियामुरा होरी की एक अलग साइड को देखता है, जहाँ पे होरी को तब अच्छी लगती है जब मियामुरा उस पर गुस्सा दिखाता है और उसको मारता है। शायद कुछ लड़कियाँ ऐसे भी होती है। तो मियामुरा अपने आप को ऐसे होने के लिए फोर्स करता है। फिर स्कूल में योकी को एक लड़का आके प्रपोज करता है, जिसके लिए योकी को कुछ समझ में नहीं आती कि वो उसको क्या कहेगी। तो वो अपनी फ्रेंड से हेल्प मांगती है उसको मना कर देने के लिए, जहाँ पे तोरू उसका फेक बॉयफ्रेंड बनता है। बट चाहे फेक ही हो, फिर भी योकी उसके साथ होके बहुत ही खुश होती है। उसके बाद जब वो सब उस लड़के को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो लड़का तो बहुत ही हैंडसम है, जिसके आगे मियामुरा भी फीका पड़ जाए, और उस लड़के को योकी मना कर देती है। बट बाद में वो लड़का उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। फिर स्कूल से जाते वक्त मियामुरा अपने मिडिल स्कूल की कुछ क्लासमेट से मिलता है, जो उसको बुली करते थे, और वो लोग आज भी उसको बुली करने लगते हैं। और वहाँ पे होरी उसको बचा लेती है। फिर होरी उसको उसके साथ और भी रूट होने को फोर्स करती है, और जब मियामुरा उसके साथ रूट होने की एक्टिंग कर रहा होता है, तब वो बुली बॉयज उसको देख लेते हैं, जिसको देख के वो सब उससे डर जाते हैं। फिर वो बुली बॉय तानिहारा पास के एक इंसिडेंट को याद करता है, जहाँ पे उसके वजह से मियामुरा को रैबिट को मारने के लिए ब्लेम किया गया था। तो उससे बात करने तानिहारा मियामुरा की केक शॉप में आता है, जहाँ पे मियामुरा उससे बहुत ही अच्छे से बात करता है, और तभी तानिहारा उससे माफ़ी मांग लेता है। फिर होरी और मियामुरा अपनी मिडिल स्कूल की दिनों को याद करने लगता है, जहाँ पे मियामुरा देखता है कि वो अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं है, अब वो सबके साथ खुल के रहने लगा है। फिर स्कूल में जब होरी मियामुरा को दूसरे लड़कों के साथ कुछ ज़्यादा ही पास जाती हुई देखता है, तब वो कुछ और ही समझ लेती है और उनसे जेलस होने लगती है। पर बाद में मियामुरा उसको समझा देता है कि वो ऐसा लड़का नहीं है और वो होरी को ही प्यार करता है। फिर साकुरा को तोरू और योकी के बारे में पता चल जाती है, क्योंकि वो दोनों फेक रिलेशनशिप में थे, जहाँ पे योकी उसको जाती तो है पर वो अपनी फीलिंग्स को उसके सामने कहने से डरती है। बट फिर तोरू उसको बता देता है कि साकुरा ने उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में कह दी है, बट उससे उसका आंसर नहीं पूछा। यार ये एक तरफा प्यार भी ना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। फिर तोरू योकी को ये कह के चीयर अप करता है कि उसको स्नो बहुत ही पसंद है, और योकी का मतलब होता है स्नो, और वो कहता है कि वो स्नोफॉल के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। लेकिन वहाँ दो दिल जुड़ता तो है, लेकिन बेचारी साकुरा का दिल टूट जाती है, जिसको सेंगो को देख के समझ जाता है। और जब साकुरा उन दोनों को देखती है, तब वो अपने आप को रोक नहीं पाती और सेंगो के सामने ही बहुत ही रोने लगती है। और सच में ये पार्ट बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। फिर हम देखते हैं मियामुरा को, और आज मियामुरा होरी को खोने से डर रहा होता है। फिर सावादा जो होरी पर क्रश रखती है, वो लड़कों के आसपास थोड़ी कंफर्टेबल होने लगती है। बट जब वो लूरा के आगे जाती है, तब वो उसके पर्सनालिटी को देख के उससे डरने लगती है। बट जब एक दिन वो उसकी हेल्प करता है, तब वो बिल्कुल चुप रहता है, इसको देख के उसको लगती है कि वो उसको हेट करता है। बट लूरा तो एक्चुअली में बीमार होता है, जिसके वजह से वो चुप था, और अगले दिन वो फिर से नॉर्मल बन जाता है। फिर हम देखते हैं लूरा की सिस्टर को, जो अपनी पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करती है, क्योंकि उसका सपना है एक बहुत ही अच्छे हाई स्कूल में एडमिशन लेने का। लेकिन उसके सपने को उसका टीचर तोड़ देता है और कहता है कि उसके ग्रेड्स इतने भी अच्छे नहीं हैं। जब ये बात लूरा को पता चलता है, तब वो बहुत ही गुस्सा होता है, और वो उसको हिम्मत देता है कि वो कर सकती है। फिर वो होरी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बहन को ट्यूटर करे, जहाँ पे होरी को उससे बातें करने में पता चलती है कि वो दोनों भाई बहन बिल्कुल नहीं चाहते कि वो एक दूसरे को हेट करे। फिर जब क्रिसमस का टाइम आता है, तब होरी मियामुरा को अपने घर की पार्टी में इनवाइट करती है,
बट मियामुरा उसके लिए मना कर देता है क्योंकि उस टाइम में उसकी दुकान में बहुत ही भीड़ होता है तो उसको इतना टाइम नहीं मिलेगा। जिसको सुन के होरी का भाई और उसका फादर दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि इस बंदे ने पता नहीं कैसे बिना गवर्नमेंट जॉब के ही होरी के पेरेंट्स को बता लिया है। फिर तोरू चिंगुकु और लूरा से युकी को लेके अपने फीलिंग्स के बारे में कहता है कि कैसे वो बिना सस में डेटिंग करे ही उनके करेंट रिलेशनशिप में बहुत ही कंफर्टेबल है। और फिर जब चिंगुकु को रेमी अपने घर बुलाती है तब वो बहुत ही डरा हुआ होता है क्योंकि रेमी के घर में बहुत सारे बग्स की कलेक्शन है जिससे चिंगुकु बहुत ही डरता है। उसके बाद होरी इस सोच में पड़ जाती है कि ग्रेजुएशन के बाद उनका क्या होगा। फिर क्रिसमस में सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताते हैं और मियामुरा थोड़ी देर के लिए होरी के घर में आता है जहाँ से वो बहुत ही जल्दी सला भी जाता है। और जब होरी उसको थोड़ी देर छोड़ने जाती है तब वो उसको कहती है कि ग्रेजुएशन के बाद भी वो उसके साथ रहना चाहती है। जिसके रिस्पॉन्स में मियामुरा सीधा कह देता है कि वो दोनों जरूर शादी करेंगे। फिर वो दोनों न्यू ईयर के दिन एक साथ होके अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। और जब उनके स्कूल के दिन खत्म होने वाला होता है तो सभी अपने अपने लॉकर को साफ करते हैं। तभी रेमी उन सभी को एक साथ घूमने जाने के बारे में कहती है और वो थोड़ी परेशान भी होती है कि उसके फ्रेंड्स ग्रेजुएशन होने के बाद उसको छोड़ देंगे। बट सभी उसको विश्वास दिलाते हैं वो सभी हमेशा फ्रेंड्स ही रहेंगे। फिर मियामुरा अकेले में अपनी लाइफ को एक बार देखता है कि अगर वो होरी से नहीं मिलता तो उसकी लाइफ कैसा होता। शायद उसकी लाइफ बिल्कुल उसकी मिडिल स्कूल जैसा ही होता जहाँ पे वो बिना फ्रेंड्स के ही स्कूल को पास आउट कर जाता। फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी में जब स्कूल के प्रेसिडेंट चिंगुकु स्पीच देने आता है तब मियामुरा खास के उसकी स्पीच को खराब कर देता है। और फिर सावादा होरी को लास्ट टाइम के लिए गुड बाय करती है। और जब सकुरा तोरू से अकेले में मिलती है तब वो उसको थैंक्स कहती है। और उसी टाइम में यानागी युकी से मिलता है जहाँ पे वो सारे फ्रेंड्स से मिलके कहीं घूमने जाने के बारे में बताता है। फिर जब स्कूल में होरी के पेरेंट्स आते हैं तब वो लोग होरी से ज़्यादा मियामुरा के लिए खुश होते हैं। यार मियामुरा मुझे अपने सीक्रेट दे दो। फिर होरी और मियामुरा एक साथ आने लगते हैं जहाँ पे मियामुरा सोचता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उसको होरी के बारे में अच्छा लगता है। और क्योंकि होरी की वजह से ही वो अपने पिंजरे से निकल पाया है तो वो सोचता है कि वो इसके बदले उसके लिए क्या कर सकता है। सच में होरी के बिना मियामुरा बिल्कुल अकेले होता। आज जो भी है उसमें होरी का ही हाथ है। और इसी के साथ आज का ये सीरीज खत्म होता है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा है तो लाइक करो। ऐसे ही सीरीज को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।